हाय, माय नेम इज ईशानी बैनर्जी एंड वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। आज का जो वीडियो है दैट इज अ व्लॉग स्टाइल वीडियो। अगेन वी आर बैक विथ अनदर केस स्टडी व्हिच हैपेंड। होपफुली यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट नवरात्रि। सबको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की एंड होपफुली सब सेफली मना रहे होंगे। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू और सब सही हो, अच्छा हो एंड कीप एंजॉइंग। मीनवाइल जो हम लोग लैब में कर रहे हैं तो उसमें से एक आज केस स्टडी डिस्कस करते हैं। रिसेंटली वी गॉट अ केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरल लोड। अब हेपेटाइटिस बी इज अ वायरल इन्फेक्शन जो कि लिवर में अफेक्ट करता है, लिवर डिजीज कॉज करता है और ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस होता है और बहुत तेज फैलता है एंड इट यूजली स्प्रेड्स फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि स्वेट, टीयर्स, इवन ब्लड। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इट्स बेटर टू लुक फॉर एचबीवी बिफोर इट कैन डू एनीथिंग टू द लिवर। एंड अगर आपको एचबीवी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर अगर आपके जो लिवर इंडेक्सेस या कुछ भी ऐसा इंडिकेशन है विच पॉइंट्स टूवर्ड्स एचबीवी, या फिर आप स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही कहीं अगर कार्ड टेस्ट में एचबीवी के किसी भी एंटीजन के पॉजिटिव आए हैं तो फिर इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गेट चेक्ड कि आपके अंदर एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है। एक्टिव इन्फेक्शन अगर आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया उसको तो वो बढ़ के इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द लिवर। एचबीवी के एक्टिव इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए हम उसका एचबीवी पीसीआर करते हैं। नाउ आप एचबीवी पीसीआर या तो प्रेजेंस और एबसेंस आपके अंदर एचबीवी है या नहीं है उसका भी कर सकते हो, विच इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट, या वो आपको येस या नो बताएगा। और यू कैन ऑल्सो डू अ क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसमें आपको एचबीवी का लोड कितना है इन योर बॉडी, उसका वायरस का कॉन्सेंट्रेशन आपके पर एम एल ब्लड में कितना है वो आपको बताया जा सकता है थ्रू रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर। हमारे क्लिनिक में रिसेंटली अभी एक केस आया था वेयर दिस पेशेंट वॉज HBsAg, दैट इज एन एस एंटीजन का जो कार्ड टेस्ट है उसमें वो पॉजिटिव आए थे। एंड फिर उनका एडवाइस ये हुआ था कि उनके बॉडी में कितना एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है, उसका लोड कितना है, उसका क्वांटिटेशन करके हमें बताना है। तो उसका हमने रियल टाइम पीसीआर करा था एंड वी डिड अ क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, तो उसका ही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज अ ग्राफ दैट वॉज जनरेटेड इन द एंड ऑफ द रन और इसमें आपको दो तरह के कलर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो इट्स द रेड वंस एचबीवी and the blue ones internal control. अब internal control is a gene which is amplified जो कि हमारा process ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो उसको control में करता है। It's got nothing to do with the actual diagnosis, but it just tells you कि आपका extraction and PCR सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। So that has to be there in every test that we do. अब हम लोग यहाँ पे quantification कर रहे हैं तो we have used standards, यानी कि known concentration के हमने स्टैंडर्ड्स लगाए हैं और उसके अगेंस्ट वी विल लुक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर सैम्पल। तो इफ यू कैन सी हियर ये जो कर्व्स हैं, द वंस दैट आई एम पॉइंटिंग एट द रेड कर्व्स, ये इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड हैं बिकॉज हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। हम जब प्लेट प्रिपेयर करते हैं तो वी पुट आर कॉन्सेंट्रेशन इन दिस वे। इसकी क्वान्टिटी सीरियली कम होती रहती है एज यू कैन सी हियर। The quantity of our known standards, they are serially diluting as we go. So these are our standards and then this is our unknown sample. So हमारे unknown sample इस quantity के कहाँ fall करते हैं वो हमें test करना है। तो उस हिसाब से we will calculate the concentration of the sample. So अब यहाँ पे क्या है, this is our unknown test जो कि हमारे patient का sample था। उनका जो red वाला curve है that is their HBV. So दे आर पॉजिटिव फॉर एच बी वी, बट जैसे कि आप देख सकते हो उनका जो राइज है कर्व का वो काफी लेट इन द प्रोसेस हुआ है। ये हमारे साइकिल नंबर्स है ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कितना लंबा हमारा पीसीआर चला है। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट रन फॉर 40 साइकिल्स इन दिस केस, और 40 साइकिल्स के अराउंड 35 to 36 पे इसका राइज हुआ है। 38 साइकिल्स इज आर कट ऑफ, सो उसके पहले अगर कोई भी राइज हुई है दैट मीन्स देर इज स्टिल हम उसको पॉजिटिव फॉर एचबीवी बोलेंगे। तो दिस इज आर क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन दैट देर इज एचबीवी इन द सीरम। एचबीवी उनके शरीर में है जो कि उनके एंटीजन टेस्ट से भी उनको पता चला था। हम वी हैव कंफर्म दैट देर इज एचबीवी इन दिस सैंपल। सो नाउ
क्वालिटेटिव तो हमें मालूम पड़ गया, अब क्वांटिटेटिव का ये ग्राफ मैंने पहले आपको दिखाया था. नाउ इसके लिए वी लुक एट द स्टैंडर्ड कर्व. नाउ बचपन में अगर मैथ्स क्लास में आपने ध्यान दिया होगा, सो यू हैव मेड स्टैंडर्ड कर्व्स जिसमें आपने नोन प्लॉट ग्राफ को प्लॉट किया है विद नोन वैल्यूज. अब इसमें आपको यहाँ इन्वर्टेड ग्राफ दिख रहा होगा. द ब्लू वन इज योर सैंपल एंड द रेड वन इज योर स्टैंडर्ड्स. सो एज योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उसका जो साइकिल ऑफ राइजिंग है, जिस साइकिल नंबर पे उसका ग्राफ राइज होना है, उसका साइकिल नंबर विल बी लेसर. सो बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस उतना जल्दी इट विल शो द रिजल्ट. दैट्स वाई इट्स एन इन्वर्टेड कर्व. अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, आर पेशेंट हैज, उनका जो सी टी है, जो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है, सी टी वैल्यू है, वो काफी लेट इन द प्रोसेस है. इट्स अराउंड 34 to 35, विच सजेस्ट दैट इनके बॉडी में जो एच बी वी का कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज बहुत ही लो अमाउंट में, मतलब वो 5 IU per microliter, 5 international unit per microliter से भी काफी कम है. बट वी वोंट से दैट इट्स अ नेगेटिव ऐसे. बाय लुकिंग एट दीज ग्राफ्स वी कैन टेल कि अगर हम सिर्फ क्वालिटेटिव ग्राफ को देखें, जिसमें हमें बस इतना पता चल रहा है कि वो राइज हुआ है और कहाँ राइज हुआ है, उसे हम सेमी क्वांटिटेटिवली एक आइडिया ले सकते हैं कि इनके अंदर वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड या जिसकी भी हम तलाश कर रहे हैं वो कितने में है. लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट कॉपी नंबर चाहिए पर माइक्रोलीटर या पर मिलीलीटर के हिसाब में, एग्जैक्टली आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन जानना है, तो क्वांटिटेटिव पीसीआर इज द वे टू गो. एंड उससे आप कई चीजें आपको फायदा हो सकती है. एचबीएस एजी सिर्फ आपके अंदर जो वायरल लोड है वो उसका इंडिकेशन नहीं देता है, वो सिर्फ एंटीजन ढूंढता है. इट डज नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, द एक्टिव वायरस जो कि आपके अंदर डिवाइड हो रहा है. तो एक तो आपने उसको कंफर्म किया, दूसरी चीज उसका आपने वायरल लोड जब किया तो आपने ये पता कर लिया कि वेयर एग्जैक्टली यू आर फॉलिंग, आप कितने, आपका आप बहुत हैवी लोड में है कि आप ट्रेस अमाउंट्स में. इन दिस केस द पेशेंट इज इन द ट्रेस लेवल्स. अगर आपने इसके पहले थेरेपी नहीं ली है और अभी आपका ये अगर नया इन्फेक्शन है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली दिस विल गो एंड राइज और आपका बढ़ेगा ये इससे पहले कि, अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर दिस विल इंक्रीज, द लोड विल इंक्रीज इन यू बिकॉज वायरस कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहा है. सो इस रिपोर्ट से आपके जो डॉक्टर हैं दे विल गिव यू द थेरेपी, और उसके बाद आप अगर उसकी मेडिसिन लोगे एंड उसका ट्रीटमेंट अगर लेंगे, तो फिर 2-3 महीने बाद आप अब कहां पर हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, वो भी आप क्वांटिटेटिव पीसीआर से ट्रैक कर सकते हो. सो एचबीवी का जो क्वांटिटेटिव ऐसे है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ये हमारे लैब में हो रहा है, एंड ऐसे करके वी आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ डायग्नोस्टिक्स. एंड इफ देर इज एनी मेडिकल पर्सन लिसनिंग टू दिस और वॉचिंग दिस, यू कैन सी कि हम कैसे करते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू अवेल दिस सर्विस, आइडियल मॉलिक्यूलर में ये टेस्ट अवेलेबल है. And along with many other tests which are available. So anyway, this was a vlog about a case that we recently encountered. ऐसे हम कई सारे different cases भी discuss करेंगे. So make sure you subscribe to the channel. And if you want to know more about what we do and ये कैसे होता है, if you have any questions regarding this method या this technology, you can please write your questions in the comments, or you can suggest anything in the comments below. Make sure you like this video. You can share this video to your friends and other people who want to, who are curious about this. कि HBV का या फिर किसी भी test का quantitative PCR या qPCR कैसे होता है and उसका importance क्या है. Follow us on social media, and if you want to watch more videos, you can look at our playlist. अभी काफी सारे videos post हो गए, so you have a lot of bank to go and watch. Otherwise, yeah. So this was a interesting discussion, and I will come back with more, and hopefully everyone is having a very happy Navratri, and I will see you next time.